तो मैं फिर से आ गई, मैं फिर से आई हूँ जैसे कि आप लोगों को बताने के लिए लुटेरी दुल्हन के बारे में। तो आप लोग लुटेरी दुल्हन का तमाशा देख ही रहे हो। पहले तो ये अभी इतने दिन तक नाची नाची नाची, अब जैसी इसकी नाच खत्म हुई, नहीं कि इसने पकड़ी सर पे दुपट्टा और चली दरगा दरगा। भाई कुछ समझ में नहीं आता इसका क्या करने का, लेकिन कुछ नहीं करने का, तेरे तेरा पूरा इलाज है मेरे पास, ठीक है? किसी के पास रह नहीं रहे, मेरे पास तेरा पूरा इलाज मैं रखती हूँ। क्यों रे? हाँ देखो क्या बोलू मैं, कौन सा वाला नाम दू, लुटेरी दुल्हन साली लेके गई वो छोटे वाले दल्ले को, उसकी जा के नजर उतार रही, खुद की नजर उतार रही। वो बेचारे काले ने क्या किया, काले ने क्या किया ये बता, नहीं तो देख काले की नजर क्यों नहीं उतारी। अच्छा वो तो तूने मतलब वो बुड्ढे ने मतलब सही बताया था, वो नाजायज है ना, तो तू उसके लिए उसको बेचारे को केयर, उसकी केयर नहीं करती, तू उसका ध्यान नहीं रखती है। तो इतनी बेशरम औरत तो तू है, पब्लिक पूरी कमेंट कर रही है तुझे कि कालिया कहाँ है वो बता, कालिया की नजर क्यों नहीं उतारी। अच्छा वो बेचारे को दम मार के सुलाई रहेगी, दी रहेगी नोट पानी, कहे भाई तू ले 100-200 रुपया, घर में बैठ रखवाली कर घर की, हम लोग आते हैं घूम के, ये छोटा दल्ला मेरा बहुत काम का है, छोटे दल्ले को लेके जाती हूँ, जरा नंबर नंबर उठा के मेरे को देता है अंकल लोग के, है ना? तो इसके वजह से तू गई तो गई रहेगी। आप तेरे ढोंग दा तुरे फिर से चालू, और अभी देख बिग बॉस चालू है, तो बेचारा घर क्या बोलती है ये देखो, रात में मैं बिग बॉस देखती हूँ, बिग बॉस देखती है और साथ में दम लगाती है तू भी। अभी तो चल, अभी तो अच्छा माशाल्लाह अच्छी जगह पे गई है, तो वहां पे पता नहीं मुझे तू क्या कर रही है, ठीक है? लेकिन यार तू गलत करी। और वो कहाँ है भगोड़िया, भगोड़िया महातारिया कहाँ गया, भाग गया क्या? क्यों बार बार भाग जाता है वो, बाकी तेरी इज्जत निकालता है, एक नंबर ना इज्जत निकालता है तेरी, कुछ बोलने करेगा ना बराबर वो उधर से लाइव चालू करता है, और तेरी इसी बैंड बजा तेरी असलियत बताता है पब्लिक को, और बताना ही चाहिए क्योंकि तू यही बोलते ना, तू यही कैटेगरी की है दल्ली साली। लुटेरी दुल्हन किसको लूट के बैठी, अभी जाके सीधा उधर डेक की डेक बनाई, देख मतलब देखो कितना असर होता है मेरा मेरा मरियम आपा का बातों का, कितना देखो असर होता है। पहले तो तू रोटी और सालन बांट रही थी, और जैसा हम लोग ने ये बात बोले कि क्या रोटी और सालन मतलब बाटती है ये सब तू करती है, देखो इतना ही दिखाने का तो डेक बना, तो माशाल्लाह इतनी बड़ी बनाई डेक, डेक तो बड़ी दिख रही है लेकिन खाना उसमें कम दिख रहा है, लेकिन माशाल्लाह डेक बनी तो सही, बहुत अच्छा लगा दिल को देख के, बहुत अच्छा लगा कि तू हम लोग का देख के क्या क्या सीख रही है। तो देख कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग देखो सिखा रहे, तो ये सारी चीजें तू सीख, है ना? एक तो तू अभी ये 9 दिन तो क्या करी है, बेचारे लोग का पूरा धर्म का एक तूने पूरा धर्म की वाट लगाई है, झींगे खाती थी जाके वहां पे खेलती थी, और जैसा घर पे आती थी तो फिर तू चिकन खाना चालू करती थी, वो लोग खुद तेरे को कमेंट में चप्पल भेज रहे, कोई झाड़ू भेज रहा, कोई तेरे को ककड़ी भेज रहा, कोई तेरे को गाजर भेज रहा। तो लोगों मैं एक ही बोलना चाहती हूँ, गाजर और ककड़ी तो इसको जरूर भेजना, बहुत सारी इसको बहुत ज्यादा जरूरत है काकड़ी और गाजर की, क्योंकि इसे बुढ़ा पाक गया तो ककड़ी कोई झाड़ू झाड़ू और चप्पल कोई भेजेगा नहीं इसको, वो तो ये खाती है सबके सबके मतलब बाहर निकलती वैसी खाती है, लेकिन इसको काकड़ी और है ना गाजर जरूर भेजना, क्योंकि क्यों मालूम है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सलाद खाती है क्योंकि ये सलाद खाती है, तो इसके लिए काकड़ी गाजर इसको जरूर भेजना, कुछ भेजे नहीं भेजे इसको जरूर भेजना, ठीक है? और गलत मतलब मत लेना हाँ मेरी बातों का, मतलब ये डाइट करती है, इतने अच्छा फिगर बना रही है, मतलब अभी इसको दूल्हा ढूंढने जाने का है ना, तो इसकी वजह से कैसा ये थोड़ा डाइट वाइट करी। हम लोग क्या, हम लोग की उम्र हो गई 60-70 साल हो गई, इसलिए हम लोग फिगर होकर कुछ नहीं बनाते भाई, क्योंकि क्या है आदमी भी है अपने पास, बच्चे भी है, बच्चे लोगों का ध्यान दो, आदमी का ध्यान दो, ये लोगों क्योंकि बच्चे लोग इधर भेजना नहीं पड़ता ना मेरे को नशे कराने के लिए, जाओ तुम लोग नशा करके इधर पड़े रहो उधर पड़े रहो, और बुढ़ा भी छोड़ छोड़ के भाग जाता है, ऐसा कोई है ही नहीं हमारे पास, हमारा आदमी भी हमारे पास ही पड़ा रहता है, बच्चे भी हमारे पास, स्कूल ट्यूशन सब देखो बहुत मतलब मगज हमारी, इसलिए डाइट ही करने नहीं मिल रहा, लेकिन डाइट करना है हमको भी, ठीक है? दम दतुरे चाले चालू। तो तुम लोग को पता है एक चीज, चलो आज तुम लोग को बता ही देती हूँ मैं, अभी ना मतलब इसका सब नाच वाच के हो गया, अभी ये गई है कौन सी जगह गई है तुम लोग को भी मालूम है, अभी वहां पे जाके क्या करेगी पता है, ये बोलेगी सलाम वालेकुम, मेरे पे ऐसी दुआ पढ़ो कि मतलब मेरी तकलीफ परेशानी दूर हो जाए, तो ये ऐसा नीचे झुकेगी बाबा जी दुआ दो बेटा तेरे को दुआ देता हूं, लेकिन तेरे में शनि लगा है, तेरे सना इमरान पीछे जी सना इमरान का भूत लगा है, ये कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक सना इमरान तेरे पीछे रहेंगे। हाँ बाबा जी ऐसा क्यों, ये पनौती लोग उठा के फेंक दो, बहुत बेटा दुआ ले परेशान ले, कर दिए। दुआ ले ले, नीचे झुक जा, जरा दुआ ले ले, सर नीचे ला तेरा,
हाँ और आप बताओ ना, ये जो बुड्ढा है ये भाग चुका है, अब इसके बाद बदले दूसरा कोई बुड्ढा या कोई और जवान मिलेगा? बाबा जी, बाबा जी, वाह, क्या दुआ बाबा दे रहा जी? है ये, अच्छी दुआ है, ये लेना पड़ेगी आपको ठीक है, दे दो बाबा जी, लेकिन नया बुड्ढा चाहिए। ये नए बुड्ढे के लिए दे रहा हूं तुझे, ठीक है ठीक बाबा जी। है? और ये मेरा लोलू है ना, ये बहुत टकला, और ऐसा क्या करूं? उसके भी बाल आ जाएंगे, टेंशन मत ले, ये उसके जो लिए भी मोर का दो, पंख है, 1 मिनट रुको बाबा इसमें से ही जी, निकाल के उसके सर में 1 मिनट लगा रुको, दे। उसको मैं टकले को बुलाती हूँ, उसके टकले पे इतने जोर जोर से मोर मोर के पंख, ये क्या बोलते हैं, कट्टा है ना, जोर जोर उसके टकले पे बड़ो ना, रुको जरा। उसके बाल भी आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। अच्छा, ऐसा है क्या? और मेरा जो ना कालिया है ना, कालिया वो दिन रात नशा करता है बाबा जी, उसको क्या करूं बाबा जी? उसको नशे में ही रहने दे। लेकिन उसके ऊपर सना इमरान उसके पीछे शनि नहीं लगा रहे। अब तेरे पीछे बालक शनि आने वाला है, तुझे भी पता है, पब्लिक को नहीं पता है, पब्लिक को मत बता नहीं सकती है, तू चूतिया बनाएगी, तेरे को मालूम है सना इमरान ने तेरे पे क्या क्या करके रखे हैं, जादू। बाबा जी मेरी चड्डी गीली करके रखे सना इमरान ने बाबा जी। बालक ऐसी बात नहीं कर बालक नहीं, बाबा जी सच में मेरी चड्डी, पहले मरियम शेख ने बोली थी तेरी चड्डी गिल्ली, और सना इमरान ने तो पूरी गिल्ली कर दी है बाबा जी। बालक ऐसा बात नहीं करते बालक, आप कैमरे पे हो। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, ये साला दल्या कभी भी कैमरा ऑन रखता है, कभी भी। बाबा जी मेरे को जब डोंग धतूरे करने का रहता है ना, ये जो मेरा दल्ला है ना, ये हमेशा कैमरा ऑन रखता है। अरे लेकिन तुम्हारे पे अभी मुसीबत आने वाली है, ये मजाक नहीं है बालक, तुमको भी पता है, पब्लिक को उल्लू बनाओ मत। मोर का कट्टा बाबा जी, खटाक बाबा जी मुझे कुछ हो रहा है बाबा जी, बाबा जी 1 मिनट, मुझे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है बाबा जी, कुछ बालक टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा तेरे बाबा साथ, जी, मेरे को बुड्ढा नया लगता। नहीं मेरी बात पूरी होने दे बालक। बाबा जी हटो हटो बाबा जी, अरे तेरे साथ ट्रेन हटो, में अब नया रुको, पार्टनर मिलने मेरे वाला नकली बाल है। निकल ना जाए, रुको बाबा जी, मेरे नकली बाल पहले अच्छे से छिटका लूं। हाँ क्या बोल रहे बाबा जी, अभी क्या बालक मुझे? तुझे ट्रेन में नया बुड्ढा मिलेगा, टेंशन चलो जल्दी बाल बांधती हूँ फिर, मत सच में ले, नए बुड्ढे की तैयारी कर, ठीक है बाबा जी, पक्का मिलेगा ना बाबा जी? पक्का मिलेगा बालक। और ये सना इमरान का कुछ करो बाबा जी, मैं बहुत सना इमरान परेशान तेरे हूँ। पे शनि है, ये तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत जान बड़े दो, उन लोगों कमीने पीछे लगे हैं, रहने दो, लेकिन मुझे बुड्ढा तो मिलेगा ना बाबा जी? उसका कोई तोड़ नहीं है सना इमरान का, कि मेरे पास भी तोड़ नहीं है, बाबा जी बुड्ढा मिलेगा क्या? वो सब छोड़ो ना, बुड्ढा मिलेगा झोल क्या? मिलेगा बालक, तुझे झोल मिलेगा, कितना? 20 लाख झोल नहीं, चाहिए, 35-50 लाख मिलेगा क्या झोल मुझे? चाहिए कि बुड्ढा चाहिए? नहीं बुड्ढा चाहिए, बुड्ढे के थ्रू मैं उसको गोल गोल घुमा के पैसा लूंगी ना, बुड्ढे को घुमा के ही तो लूंगी। अगर बाबा जी, अगर ये जो है ना बुड्ढा नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही चक्कर चलाऊंगी, देख लेना बाबा जी। बाबा जी बालक तुम सबके साथ चक्कर चलाती हो, चक्कर में फंस तो जाओगी। बाबा जी यही तो मेरा झोल है, चक्कर बुड्ढे लोग से चला चला के शादी कर करके, मैं तो खुद बुढ़ी हूँ, तो फिर मैं खुद है ना क्या करती हूँ, चक्कर चलाती हूँ, और सबको फिर वो बुड्ढे लोग से शादी करा के फिर मैं लोगों से ना दूसरे से पैसा लूट के लेके आने लगाती हूँ, और फिर वो बुड्ढे को ऐसी बेइज्जती करती हूँ, ऐसे उसको 15 चामर देती हूँ, ऐसा उसको मारती हूँ बेडरूम में ले लेके, और उसको तेल भी तेल मालिश करने। चलो गाइस, और ये बातें जो है ना मेरी दिल पे मत लेना, कहीं और लेना ठीक है? और रोस्टिंग दादा क्या हुआ है आपको? क्या हो गया है? टकले में से बाल बहुत कम उम्र में से निकल गए, इसलिए बोलती थी कि ना कोई लड़की के चक्कर में मत पड़ बेटा, तू हम लोग का बच्चा है, किसी के चक्कर में मत पड़, लेकिन नहीं तेरे को मानने की नहीं, कैसे तेरे को लड़की लोग बाल खींच खींच के मारते थे ना क्लब में, भूल गया शायद तू, तेरा वीडियो वायरल कर दू क्या? तो चलो इसका वीडियो एक दिन वायरल करते हैं। हाँ चलो फिर, अल्लाह हाफिज, आज फिर मिलेंगे वापिस, ठीक है? तो देखना, और मैं भी कल परसों ना मेकअप वेकअप करके आऊंगी, ठीक है? कैसा मैं मेकअप करती हूँ ना, मतलब मैं शीला भाई कैसे बनती हूँ आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज।